नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। आज हम बनाएंगे मटर छोला टिक्की चाट। ये चाट इतनी टेस्टी है कि आप इसे एक बार खाएंगे और फिर इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़े भगोने में मटर को फुला दिया। मटर को 5 से 6 घंटे या रात भर भिगोने के बाद इसको हमने प्रेशर कुकर में 5 सीटी आने तक पका लिया पानी डाल के। अब हमने लिया एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 2 छोटे टुकड़े अदरक के, 1 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च, 3 लहसुन की कलियां और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। अब इन सब को हम मिक्सर जार में डालकर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से इसे पीस लीजिए। फिर अब हमने एक कढ़ाई ली जिसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ले लिया और उसमें हमने 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया। अब हम इसमें जो पिसा हुआ मसाला था उसे इसमें डाल देंगे। इस मसाले को तब तक पकाइए जब तक ये तेल ना छोड़ दें। अब इसमें मिलाइए 2 चुटकी हींग। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। और मसाले को अच्छे से पकने दीजिए। इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालिए। अब मसाला काफ़ी पक चुका था। अब इसमें हम हमारे उबले हुए मटर डाल देंगे। इसे 5 मिनट तक पकाते रहिए जिससे आपके मटर छोले बन जाए। अब हमने 5 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिया था, उसे हमने मैश कर लिया। उसमें आप 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला दीजिए और इस पूरे चीज़ को गूंथ लीजिए। इसे अच्छे से गूंथ लीजिए। अगर आपको आलू में गीलापन नज़र आए या आपको लगे कि ज़्यादा गीला है अभी, तो इसमें आप थोड़ा और कॉर्नफ्लावर मिला लीजिए। सबसे आखिर में इसमें आप नमक मिला लीजिए और फिर अब हम इससे गोल गोल टिक्कियां तैयार कर लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा तेल लेंगे जिसमें हम शैलो फ्राई करेंगे हमारी टिक्कियां जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना नज़र आने लगे। 2-3 मिनट तक उसे एक तरफ तक पकाएं। फिर हम इन टिक्कियों को जब आपको नज़र आने लगे कि गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं उसको पलट देंगे और दोनों तरफ अच्छे से पका लेंगे। ऐसी टिक्की जब आप घर पर बनाएंगे तो आप बाहर मिलने वाले चाट को भी भूल जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट चाट आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए अब हमारी टिक्की एक तरफ से गोल्डन ब्राउन नज़र आने लगी थी, इसे हमने पलट दिया ताकि ये दोनों तरफ बराबर से पक जाए। जब इस प्रकार आपकी सारी टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे
पैन से निकाल लीजिए। अब हम चाट बनाने की तैयारी करेंगे। छोला चाट बनाइए। सबसे पहले हम लेयर वाइज तैयार करेंगे चाट को। इसमें आप लीजिए चना, जो हमने उबाल के मसाला चना तैयार किया था छोले के स्टाइल में। फिर उसमें आप डालिए उसके ऊपर दही, जिसको हमने फेंट लिया था ताकि वो स्मूथ हो जाए। फिर इसके ऊपर डालिए इमली की चटनी। अब आप इसके ऊपर टिक्की की लेयर बनाइए, दो दो टिक्की। यहाँ हम तीन लोगों के लिए चाट तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर फिर से आप दही डाल दीजिए और फिर से इमली की चटनी। अब इसके ऊपर आप प्याज गार्निश कर दीजिए और जीरा पाउडर से चुटकी भर इसके ऊपर डाल दीजिए। अगर आपके पास सेव भुजिया हो तो आप इसे भी इसके ऊपर ज़रूर डालिएगा। आखिरी में आपने अगर पापड़ी तैयार की होगी मैदे की, तो उसे भी क्रश करके इसके ऊपर गार्निश कर दीजिए। सबसे आखिर में आप काला नमक और लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर छिड़क दीजिए। बस आपके लिए तैयार हो गया है ये लजीज चाट, जिसे आप ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए और इन्जॉय कीजिए। ये चाट टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको ये चाट ज़रूर पसंद आएगी और ये एक परफेक्ट लंच के तौर पे साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी कुकिंग एवरीवन।